शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि बंद है। भगवान महावीर जी का जन्मोत्सव श्रद्धालुओं ने घर में रहकर मनाया है। ऐसी जानकारी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ संघ के मैनेजर भगीरथ ने दी है। दर्शकों, आज का वही दिन है जहां भगवान महावीर जयंती की बड़ी झांकियां निकलती है और हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन जो मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस समय में हम ऊपर राजधानी के इतवारी बाजार में है जहाँ पे ये मंदिर है, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं कि यहाँ हर महावीर जयंती के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, झांकियाँ निकलती रहती है, कई लोग आते हैं और यहाँ पे ओम नमो का मंत्रोच्चार का उच्चारण होता है, नवकार मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसे में जब से लॉकडाउन जो हो चुका है शहर में, जैसे हम चाहे विहार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या हो फिर ऐसे मंदिर, हर जगहों पे पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा चुका है। ठीक ऐसे यहाँ पे भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक लगाया गया है, लोग बाहर से वंदन करके जय जिनेंद्र करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं। इस समय में कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सर, ये बताइए कि आज ये लॉक क्यों लगाया गया, आज क्यों जयंती क्यों नहीं मनाई गई? लॉकडाउन के वजह से पूरे जो भी कार्यक्रम थे, हर साल जो भी महावीर जयंती पे कार्यक्रम मना रहे, इस साल कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको ध्यान में देखते हुए हमारे मंदिर और ट्रस्ट सभी पूरे भारत में सभी मंदिर बन गए। और इस बार जो प्रभु महावीर स्वामी का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसके कारण, लॉकडाउन के कारण आज जो भी स्थगित कर दिया, कोई पूजा पाठ या कोई ऐसा प्रोग्राम अभी लॉकडाउन के चलते हुए कुछ ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए गेट से ही ताला मार दिया, कोई भीड़भाड़ ना हो, कोई मंदिर के अंदर परिसर में आ ना सके, इसलिए सब सुविधाएं बंद रखी गई है। बंद लॉकडाउन हो चुका है, ऐसे में ये पूरे कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, मगर जो लोग ज़रूरतमंद है ऐसे लोगों के लिए आपका ट्रस्ट या आपका मंदिर प्रबंधन क्या कर रहा है? फिलहाल तो अभी सरकार की स्थिति जो सरकार का साथ देने के लिए जो अपने भारत देश की जो स्थिति है उसके चलते हुए पब्लिक की लोगों का तो राय आ रही है कि हमारे लिए मंदिर खोलो, लेकिन जो सरकार की जो स्थिति है, भारत देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए हमारे ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया है कि पूरा लॉकडाउन ही रहेगा, उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा, मंदिर खोला नहीं जाएगा, इसलिए लॉकडाउन ही पूरा, मंदिर भी लॉक ही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा भगीरथ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तो आप है इस मंदिर के व्यवस्थापक मैनेजर भगीरथ, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि किस तरह से लॉकडाउन का ये सभी लोग पालन करना चाहते हैं और पालन भी किया है, जिसके चलते यहाँ लॉक लगाया गया है। वरना ये वही गेट है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती और भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करते हुए जैन मंदिर के तमाम लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। नागपुर के इतवारा भाजी मंडी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।